आज मैं रात को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज फैसला करके ही रहूंगा, चाहे इस पार या उस पार। अरे राम 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 राम, शास्त्रों में लिखा है बच्चा कि मनुष्य को दो वस्तुएं सदा ही ले डूबती हैं, एक क्रोध अर्थात गुस्सा और दूसरी बदले की भावना। अरे पंडित, आज मैंने वो शर्त सोची है, इस गेटवे ऑफ इंडिया से मेरी अर्थी उठेगी ना तो राज की। अरे कैलाश बाबू, तुम हर रोज शर्त लगाते हो, हर रोज हारते हो, हर रोज यही कहते हो। हमेशा तुम्हारी अर्थी उठती है और हमेशा विषमों की तरह दूसरे दिन धंधा होकर चलाते हो। अरे वाह, वो देखो अपने हीरो क्या शान से चला रहा है। मौलाना, ये रहा 10 का कड़कदार पत्ता। छुट्टा नहीं है साहब। अरे छुट्टा किसने मांगा? मेहरबानी। मेहरबानी तो दोस्तों की चाहिए, ये पकड़ो। क्यों भाई, आज तो कैलाश पर्वत बड़े गुस्से में लगते हैं, खैरियत तो है ना? अरे तुम अपनी खैरियत मनाओ मिया, आज की शर्त बहुत टेढ़ी है। तुम अपनी चाल तो सीधी करो यार, जब देखो मुर्गी की एक टांग बने रहते हो। क्या शर्त है मुंह से बोलो, बोलो बोलो। हाँ वो देखो, वो लड़की आ रही है ना। किधर? अरे वो दाढ़ी वाले के साथ आ रही। तो नहीं, तुम्हें क्या लेना उससे? मुझे कुछ नहीं लेना, तुम्हें उस लड़की से गले मिलना है शरेआम सबके सामने, और शर्त यह है कि वो लड़की तुम्हें जूते नहीं मारेगी बल्कि प्यार से पेश आएगी। क्यों? कितने की शर्त? 200। क्यों पंडित जी? शास्त्रों में लिखा है बंधु कि कैलाश पर्वत अपनी जगह से टल सकता है लेकिन तू राज पूत अपनी जगह से कभी नहीं टलता। तो आपका आशीर्वाद है? ऊपर वाला उस कन्या की चप्पलों से आपकी रक्षा करे। क्या बात मिलती है? कौन तुम है मेरी बहन? नौजवान, तुम्हें गलती हुई है, ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये मेरी बेटी पिंकी है। कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे मजाक करती है, इनको देख के ऐसे लगा जैसे मेरी खोई बहन मुझे वापस मिल गई। थैंक यू पापा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे हमदर्दी है। चलो बिटिया, अब बहुत देर हो रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं जीत गया। जी? मेरा मतलब है मुझे मेरी बहन को प्यार दोबारा मिल गया। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं ताजमहल के पीछे रहता हूँ। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं खुद आकर आपको मिल लिया करूंगी। ये रहा मेरा पता। ओके। बेटा लेकिन ये रुपया हजम नहीं होगा। अरे रे ज्यादा रहे हो, चलो आइसक्रीम खाते हैं, देखते हैं हजम होती है नहीं।
हैसियत पर तुम। मैंने तुम्हें चालाने के लिए कहा था और तुम आइसक्रीम ले आए। लेकिन मैम साहब आपने तो शट अप, ले जाओ यहाँ से। आइसक्रीम जितनी स्वादिष्ट है बालिका उतनी ही कड़वी प्रतीत होती है। क्यों राज, लगती है शर्त मेम साहब चाय के लिए नाराज हो रही है। शाम को उसे अपनी हाथों से होटल में चाय पिलाओ, 500 रुपया नकद। उधार का सौदा नहीं होता कैलाश महाराज, बंदा चला, पैसे तैयार रखो। पंडित जी आशीर्वाद दो। जाओ बच्चा, ऊपर वाला तुम्हें इस कन्या की प्लेटों से बचाए। थैंक यू। ऐ हसीनों नाजनीनों, ऐ हसीनों नाजनीनों, मैं आ गया हूँ, लो दिल संभालो, बन के बादल आसमां पे, बन के बादल आसमां पे, मैं छा गया हूँ, तो दिल संभालो, ऐ हसीनों नाजनीनों। गुलशन गुलशन महफिल महफिल मेरे चर्चे आम हैं, चर्चे आम हैं, शायद आशिक दीवाना ये सारे मेरे नाम हैं, मेरे नाम हैं। आपने बात ये आजमाई नहीं, उनको फिर रात भर नींद आई नहीं, जिनको अपनी गजल में, जिनको अपनी एक गजल में सुना गया हूँ, तो दिल संभालो ऐ हसीनों नाजनीनों। चाहूं तो हर किस ना आने दीजिए, ना आने दीजिए। अब मैं जाना चाहूं तो मुझको ना जाने दीजिए, ना जाने दीजिए। क्योंकि सहरा जब नौका दिल तोड़ के, जब गया हूं मैं महफिल कोई छोड़ के, सबके दिल में याद अपनी है, सबके दिल में याद अपनी, बसा गया हूँ, तो दिल संभालो ऐ हसीनों नाजनीनों। देखो बातों बातों में अफसाना बन गया, अफसाना बन गया। इन जुल्फों का इन आंखों का मैं दीवाना बन गया, दीवाना बन गया। ऐसे दामन चुराने से क्या फायदा, अब निगाहें चुराने से क्या फायदा, बन के काजल मैं नजर में, बन के काजल मैं नजर में समा गया हूँ, तो दिल संभालो ऐ हसीनों नाजनीनों।
आपके पास कोई वशीकरण मंत्र है या कामरू काम छा की कोई जड़ी बूटी है? एक पल में कन्या को मोहित कर लिया। जानी, जानी। क्या है जानी की जान? हम समझा तुम्हारा वो गायब हो गया, अभी अभी तो सीधा था, अभी उल्टा कैसे हो गया? प्यार में ऐसा ही होता है, अच्छा भला आदमी उल्टा हो जाता है। चलो तुम भी बल्टी मारो। क्या? हम तुम्हारा मालिश करेगा इधर सबका सामने। डरता है? मालूम होता है तुम्हारा पूरा खानदान का खानदान डरपोक है। ऐसा मत बोलो जॉनी, तुम हमारे डैडी को नहीं जानता, कितना बड़ा बहादुर था, कितना बड़ा हंटर था मालूम? हंटर? तुम्हारा डैडी क्या चमड़े का हंटर था? ओ नो, हंटर शिकारी, जिस जंगल में घुस जाता था जंगल का सब शेर डर के भाग जाता था। ओ आई सी, बहुत बदसूरत होगा तुम्हारा डैडी। ओ शट अप, एक बार मालूम है क्या हुआ, डैडी शिकार को गए, फिर से एक शेर सामने आ गया, डैडी ने शेर को देखा, शेर ने डैडी को देखा, दोनों ने आंखों में आंखें डाली, मगर डैडी की आंखें देखते ही शेर ने गर्दन झुका ली और डैडी उसके कान पकड़कर घर में ले आए, मालूम? वाह 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 वाह, तुमने मेरे डैडी के शेर का कारनामा नहीं सुना। जानती हो जबकि घाटकोपर के जंगल में मेरे डैडी को शेर मिला तो क्या हुआ, डैडी ने जैसे ही शेर को घूर के देखा शेर घबरा गया और मारे शर्म के उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो डर के मारे रोने लगा और गाने लगा, दुख के अब दिन भी था नहीं। इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या जब तुम्हारे डैडी के साथ हो सकता है तो मेरे डैडी के साथ नहीं हो सकता? और फिर जो तुम्हारे डैडी की कहानी है वो तो महाबंडा है, वो है, और मेरी कहानी में तो गाने की सिचुएशन है, बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोप भी है। मल्होत्रा, ओ मल्होत्रा। डार्लिंग तुम जरा यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम आइसक्रीम 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 लेके आता हूँ। अबे ओ कमबख्तो, तुम लोगों ने इसी वक्त आना था, बोलो क्या है? मल्होत्रा जी, मैं अभी जानी हूँ, मल्होत्रा बनने में पूरे 12 घंटे बाकी हैं। 12 तो एक दिन तुम्हारे बनने वाले हैं जॉनी, उधर उस क्रिश्चियन लड़की को हेलो डार्लिंग आई लव यू, इधर पंजाबी बलवंत कौर को अच्छा की हाल है, एक टाइम में दो दो, अरे क्या उल्लू बना रहे हो मेरे यार, आज तो पोल खोल मंडली तुम्हारा भांडा फोड़ने आई है। ये मंडली मेरी कुंडली के पीछे क्यों पड़ी है? पड़ा क्या है, इतना भी नहीं समझते? टनाक टनाक, जाओ मरो, तुम जाके आइसक्रीम खाओ, मैं तुम्हारा बिल दे दूंगा। लो वो आ गई। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे यार। क्या हुआ? वो अपना पीटर था ना, वही ना, पिछले बरस जिसकी बीवी शादी के रोज मर गई, कल रात वो भी मर गया। ठीक कह रहा हूं राज, कल अचानक वो मेरे पास आया और कहने लगा कि आज की रात वो रात है जिस दिन उसकी महबूबा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, आज रात वो अपनी महबूबा की कब्र पर शमा जलाने जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत कहा कि भूत प्रेत का मामला है, इतनी रात गए वहां मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक न मानी और क्या, वो चला गया और वापस नहीं आया। सुबह जब मैं उसकी तलाश में कब्रिस्तान पहुंचा तो उसकी लाश उसकी महबूबा की कब्र पर थी। कहना क्या चाहते हो, पीटर को कब्रिस्तान में किसी भूत ने मार डाला? हाँ राज, पहले मैं भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था मेरे दोस्त, लेकिन जब से पीटर की लाश मेरी नजरों में घूमती है मेरी रूह कांप उठती। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, ये सब बकवास है। हो गई शर्त पूरे 500 रुपयों की, आज रात ठीक 12 बजे उसी कब्रिस्तान में किसी भी ताजी कब्र पर शमा जलाना होगा, बोलो इस पार या उस पार? भाई किस पार जाने की बात हो रही है, लगता है किसी बहुत टेढ़ी शर्त का मामला है। तुमने जवाब नहीं दिया राज, मुझे मंजूर है। लेकिन क्या मंजूर है, कुछ हमें भी तो बतलाओ। राज ने शर्त लगाई है कि वो आधी रात के बाद कब्रिस्तान में जाकर किसी भी ताजा कब्र पर शमा जलाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, हर वक्त उल्टी सीधी शर्तें लगाते रहते हो, आज तुम्हारे किस नहीं जाओगे। शर्त लग चुकी है मेरे दोस्त, अब तो जाना ही होगा। आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में जाना कोई मामूली बात नहीं, कब्रिस्तान का वो भयानक सन्नाटा, वो शक्लें बदलते हुए बदरू है, पता नहीं कब कोई रो कौन सी शक्ल में तुम्हारे सामने आ जाए। कुछ नहीं, मेरी उंगली इनके मुंह में चली गई थी। नहीं राज, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगा। तुम तो जानते हो रमेश, राज आगे कदम बढ़ाकर कभी पीछे नहीं हटता, मैं जरूर जाऊंगा। अकेले ही जाओगे?
सपना, तुम ठीक वक्त पे पहुंचे। देखो ये राज आज फिर। हाँ, हम 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो शो का टाइम हो। शो? हाँ, मैंने दो राम और शाम के टिकट खरीद रखे। चाय का क्या होगा? वो चाय वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, चलो पी लेंगे। और हाँ दोस्तों, न्यू ईयर का रोज तुम सबको मेरी तरफ से दावत है, समझे, इस खुशी में। हाँ भाई, सर भी हमारा और जूते भी हमारे। मगर ये वो सपना थी। कुछ ही दिनों में राज की इसके साथ शादी होने वाली है। क्या मतलब? ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? बिल्कुल। यू फ्रॉड। फ्रॉड? तुम उसे फिर छुपा रहे हो। तुम बेकार जिद कर रही हो सपना, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे चेहरे की रंगत को बदलते हुए देखा है। जरूर तुम लोग शर्त की बात कर रहे थे। मैंने तो जिंदगी से सिर्फ एक शर्त लगाई है, देखें किसकी जीत होती है। छोड़ो मुझे, तुम मुझे अपना समझते ही नहीं। शक मत करो सपना, मैं जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और लड़की से प्यार करने की बात सोच भी नहीं सकता। किसी और से प्यार करके तो देखो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। क्या कर लोगी? तुम्हारा खून। कर सकोगी? क्या कर रहे हो बाबू? फूल चढ़ाने आया था। Eternal rest give to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. Hear my prayer, all my flesh shall come to thee. कल सुबह मैं। हाँ, तुमने ठीक कहा था बेटे, कुदरत भी कभी कभी इंसान से बड़ा खौफनाक मजाक करती है। कल सुबह तुम्हारी इस मुंह बोली बहन ने तुमसे राखी बांधने का वादा किया था, और आज वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चल बसी। कौन जानता था कि जिस हाथ पर उसने तुम्हें राखी बांधनी थी, आज उसी हाथ से तुम्हें उसकी कब्र पर मिट्टी डालनी होगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। पिंकी के सिवा मेरा दुनिया में कौन है? अब मैं इस जिंदगी के दिन कैसे गुजारूंगा, किसके सहारे जिंदा रहूंगा? आप दिल को छोटा ना कीजिए, हौसला रखिए, आपके लिए मेरा घर हाजिर, मेरे साथ चलिए आप। नहीं बखुरदार, मैं अपने इस गम के बोझ में तुम्हें शरीक नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। O God, whose property is ever to have mercy and to spare, we humbly entreat thee in behalf of the soul of thy servant, whom thou hast bid this day to pass out of this world, that thou mayest not deliver her into the hands of the enemy, not forget her forever, but command her to be taken up by the holy angels, and to be borne to thee to the home of paradise, that she be put faith and hope in thee. Not undergo the pains of hell, but may possess everlasting joy. Through our Lord Jesus Christ. Father, not them. Father.
अब मुझे अपना घर उजाड़ सा दिखाई दे रहा है। पिंकी के मरने के बाद सारी खुशियां गायब हो गई हैं, हर तरफ उदासी उदासी छाई है, इसलिए मैं यहाँ चला रही हूँ। तुम तो पसीने पसीने हुए जा रहे हो, घबराहट किस बात के बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनो बेटा, मैं मजबूर था, वो घर मुझे काटने को दौड़ रहा था, उस घर की हर चीज में मुझे पिंकी ही पिंकी नजर आ रही थी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दरअसल बात यह है। यही मेरी बेटी, तो तुम इसे दबा से निकाल कर यहाँ ले आए हो? यही तो मैं आपसे कहना चाहता था, मेरी समझ में कुछ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। जब मैं घर लौटा तो पिंकी की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई थी। और झूठ बोलते हो तुम, अपने गुनाह को छुपाना चाहते हो, जलील इंसान, तूने मेरी बेटी की लाश की बेइज्जती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सच बताओ, कौन हो तुम? तुम क्यों रात को अकेले कब्रिस्तान में घूम रहे थे? मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। अब मैं समझा, तुम मुझे क्यों उस कमरे में आने से रोक रहे थे, तुम मुझे क्यों देखकर पसीने पसीने हो गए थे। मैं तुम्हारा राज फाश किए देता हूँ। मैं कहता हूँ आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर। जब मैं घर लौटा तो पिंकी की लाश मेरे बिस्तर पर पड़ी हुई थी, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने जिंदगी भर अपनी बेटी को फूलों की सेज पर सुनाया और तू उसकी लाश को तब से निकाल कर यहाँ ले आया। मैं तेरा घूट कर जाऊंगा, मैं सब करूंगा। तुम जानते हो तुम पे किसने गोली चलाई? दरवाजा खोलो मिस्टर राज, खोलो दरवाजा। हम पुलिस के आदमी हैं, हमें मालूम हो चुका है कि तुमसे खून हुआ है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, भागना फिजूल है। खोल दो दरवाजा, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। खोल दो दरवाजा। तुम चलो मेरे साथ। आप अपनी जगह बैठे रहो। मल्होत्रा? तुम? अरे भाई मल्होत्रा नहीं, जानी हूं जानी की जान। मल्होत्रा बनने में अभी 12 घंटे बाकी हैं। तो मेरे पाइप को क्यों देख रहे हो? देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। ये तुमने पाइप पीना कब से शुरू कर दिया? पाइप? अरे भाई ऐसी भी क्या बात है, नहीं लैला के लिए जहर पी सकता है तो क्या मैं अपनी रीटा के लिए पाइप भी नहीं पी सकता? लेकिन तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? कुछ मत पूछो जानी, बहुत परेशान। ऐसी भी क्या परेशानी, क्या किसी लड़की ने तुम्हारा घर आ गया? थैंक यू। तुम्हारे घर के बाहर पुलिस खड़ी है,
और एम्बुलेंस भी। मालूम होता है किसी का खून हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? क्या तुम्हारे इश्क में किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली है? तुम फिर लड़कियों की बात कर बैठे, इसीलिए तो मुझे अपने घर में चैन नहीं मिलता। चलो मुझे रमेश के यहां छोड़ दो। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था राज, एक न एक दिन ये तुम्हारी शर्तबाजी जरूर रंग लाएगी। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की दोस्त, मगर शायद उस वक्त तुम मुझे अपना दुश्मन समझते थे। दुश्मनी तो आप कर रहे हो मेरे दोस्त, जानते हो ना मैं मुसीबत में फंस गया। कैसी बातें कर रहे हो पगले, तुम्हारी खातिर मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ इस चक्कर में तुम्हें किस पर शक है? कातिल की शक्ल मैं नहीं देख सका, सिर्फ इतना देखा जब वो भाग रहा था उसके मुंह में पाइप था, और जब मैं जानी की जीप में छुपा तो उसके मुंह में भी पाइप था, यही ना? वो देखो, शायद वो किसी को टेलीफोन करने की कोशिश कर रहा है। रमेश, जानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो ऊपर से इतना बेवकूफ दिखाई देता है, अंदर से उतना ही घुटा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे पहले कि ये रेशम के धागे तुम्हारे लिए लोहे की जंजीरें बन जाए, तुम फौरन सपना के अंकल सिंह साहब से मिलो। अगर अंकल सिंह को सब बातों का पता चल गया तो सपना? हाँ, सपना को कुछ न बताना। तुम जानते हो औरत आखिर औरत होती है, और सपना तो तुम्हारे महबूबा है, एक बार बात मुंह से निकल गई तो। जरूर इसमें भी जाने की शरारत है, आओ मेरे साथ। नहीं, हमें साहब से नहीं, किसी और से मिलना। इंस्पेक्टर राजू स्पीकिंग, कातिल राज गाड़ी नंबर BML 8622 में सांता क्रूज की तरफ भाग रहा है, उसे आगे से घेर लो। ओवर, ओवर। यस इंस्पेक्टर, गाड़ी जरा हंसते चलाइए। ओह आई एम सॉरी, थैंक यू। राज कहाँ जा सकता है? राज बाबू आज सुबह सुबह अंकल है घर में, वह जल्दी चले गए, सपना मेम साहब है, कहिए तो बुलाऊं? नहीं रहने दो, मैं फिर कभी आऊंगा। बहुत अच्छा, फिर कब आइएगा जनाब? ये भी तो बता दी जाएगी, कितनी जल्दी है कि दरवाजे से ही लौटे जा रहे हैं। चलो अंदर। सपना मैंने कहा अंदर। मोहन नाश्ता लगाओ, रास्ता भी हमारे साथ नाश्ता करेंगे। सपना वाकई मुझे जल्दी है, तुम नहीं समझोगी। और ना मुझे समझना है, आप तशरीफ रखिए। मोहन जी मैं तुम नाश्ता लगाओ। बहुत अच्छे। पिंकी, सपना तुम जानती हो उस लड़की को? मेरी सहेली है, पसंद आ गई और कुछ? तुम तो नाराज होगी, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। पूछते पूछते ही तो बात बढ़ती है, आज यूं ही पूछ रहे हो, कल घर तक पहुंच जाओगे। तुम जानती हो उसका घर? लेकिन ये तस्वीर मेरे सामने क्यों रख रही हो? इसलिए कि आप नाश्ता भी करते जाना और इसको देखते भी जाना। नाराज हो गई? आई एम सॉरी। अच्छा वो तुम्हारी कल वाली शर्त का क्या हुआ? शर्त में इंसान या हारता है या जीतता है, यहां न हार हुई है न जीत, बस एक उलझन हो गई है। खून? खून किसका? ओफो, कितना खून बह रहा है, कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, ठहरो मैं पट्टी लाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर गंदोत्रा पास ही रहते हैं, मैं उन्हीं के पास चला जाता हूँ।
जरूर इस तस्वीर ने तुम्हें परेशान कर रखा है। सपना, तुम तो जानती हो मुझे कोई तस्वीर परेशान नहीं कर सकती। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर रहती है और वो है तुम्हारी। सच? हाँ। राज, आज न्यू ईयर है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही रहूं। मुझे डांस पर ले चलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूं? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। हमने बड़ी होशियारी से उस कार का पीछा किया सर। राज की गाड़ी अचानक एक जगह टकरा कर उलट गई और जब हम कार के नजदीक पहुंचे तो राज का कहीं पता ना था। सर, क्यों ना हम राज की तस्वीर तमाम बड़े पेपरों में छपवा लें? इस तरह उसे तलाश करने में आसानी होगी। नो पब्लिसिटी, इस केस में हमें इश्तेहारबाजी नहीं करनी है। तुम सादा लिबास में अपने कुछ आदमी भेज दो हर उस जगह जहां तुम्हें राज के आने जाने का जरा भी शक हो और इस केस के बराबर इत्तला देते रहो। मिस्टर मेहता, राज पे नजर रखना। ओके सर। लगातार एक घंटे से घंटी बजा रहा हूँ, बहरे हो गए थे क्या? हाँ, बहरा हूँ, मगर आप अंदरगाह से चले जा रहे हैं। अजीब शहर है ये बंबई साहब, जिसे देखे वकील बना हुआ है। मेरे भांजे का घर है भाई, अंदर आ रहा हूँ। रमेश कहाँ है? रमेश के मामा है। नहीं तो क्या मैं आपका मामा हूँ? कौन भाई, दूर हट दो। दरबान साहब, जरा सामान अंदर लाइए। मामा मामा जी, मामा जी, मामा जी, आने से पहले खबर तो दी होगी। खबर की क्या बात कर रहे हो भांजे, हमारी तो कदम खत्म तक खबर नहीं जा रही है। क्या बात, क्या है? पुलिस मेरे पीछे साए की तरह लगी हुई है, इसलिए भेज बदल कर रहा हुआ। टेलीफोन भी नहीं कर सका इसलिए कि पुलिस हर चीज का रिकॉर्ड। ये वीडियोग्राम बड़ा खूबसूरत है। कौन कौन सी रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? मैं हूँ साइकिल खड़े बात पसंद आता है। बता, सपना के अंकल से मिले थे? अंकल से तो नहीं मिल सका। कुछ नहीं हुजूर, पैसों के लिए खड़ा। ठीक है ठीक है, ले लो, जाओ भाग यहां से, भागो। रमेश, पिंकी के बारे में पता चल गया। अच्छा, जानते हो कौन है? कौन है? सपना की सेल। मेरी खुद, ये तो और भी अच्छा हुआ, अब तुम आसानी से उस तक पहुंच सकते हो। यही तो उलझन है, सपना पहुंच सकी है। अगर मैंने पिंकी के बारे में उसे कुछ पूछा तो वो शक करेगी और पहले से एक सर पे मुसीबत है। वो क्या? सपना को पार्टी पे ले जाने का मैंने वादा किया था। समझ में नहीं आता कैसे ले जाऊं, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस लगी हुई है। उस्ताद, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? और फिर आज क्लब में हर आदमी अपने चेहरे पर नकाब पहन के आएगा, न्यू ईयर नाइट जो है। रमेश साहब, आपका टेलीफोन आया। मेरा टेलीफोन? अच्छा भाई, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपका सामने एक ऐसा सरप्राइज आइटम पेश होने वाला है जिसको देखते ही आप सपनों का रंगीन दुनिया में खो जाएगा। कलरफुल ड्रीम वर्ल्ड।
धोखा ये है शायद ख्यालों की बात, शायद नजर का है धोखा ये है शायद ख्यालों की बात। हमने गुजारी थी मिलके कहीं कोई बहारों की रात, ना मुझे है पता ना तुझे है पता दोनों है बेखबर। हाँ याद आया कलियां खिली थी लेकिन न जाने कहां क्यों कैसे तू कौन है वाले हजारों हैं मेरे दोस्त, और उन हजारों में से एक वो देखो चंद घड़ियां निशाद की चुनकर बाई पिकिंग अप ए फ्यू वॉचेस फ्रॉम निशाद गार्डन मुद्दतों मेहरे याद रहता हूं आई रिमेन सैड फॉर सेंचुरीज तुझसे मिलना खुशी की बात सही तुमसे मिलकर उदास रहता हूं मीटिंग यू इज हैप्पीनेस मीटिंग यू इज सैडनेस एक्सक्यूज मी जॉनी दिस इज मैडनेस जॉनी प्लीज
ओहो बुलबुल क्या है? यार जरा कान में कहने वाली बात है यार। देखो इस वक्त मुझे बोर मत करो, मैं किसी और ही मूड में हूँ। हाँ तो डार्लिंग, मैं शेर की बात कर रहा था। जॉनी प्लीज। ओहो ना जाने तुम लोगों को कबाब में हड्डी बनकर क्या मजा आता है, सारा मेरा मजा किरकिरा कर दिया। बोलो क्या है? 300 रुपए उधार दे दो। 300 रुपए? गेट आउट। जॉनी प्लीज यार इज्जत रख लो वरना होटल वाले हमसे बर्तन घिसवाएं। आई से गेट आउट प्लीज। आउट। तो कुछ नहीं जॉनी की जान, चंदा मांगने आया था। मुझे इन अनाथों से बड़ी नफरत है। आई हेट देम। यार वो तो पीठ पर हाथ धरने नहीं देता, लगता है अपनी सबकी हजामत होकर रहे। देखना ये है हजामत अपनी होती है कि जॉनी की। वो देखो बलवंत कौर जी आ रही हैं। आइए आइए ना। नमस्ते। आइए जी आइए जी, बैठिए जी बैठिए। बैठो ना। आपके वो तो है ही देखने की वस्तु, आप भी राजी रहिए ना दोस्तियों हमारे पास भी। कोई बात नहीं जी कोई बात नहीं, अभी ढूंढ निकालते हैं। जा भाई बुलबुल देख मेरे पास। अभी देखता हूँ, 1 मिनट। मैं जिस शेर की बात कर रहा हूँ, मैंने वो शेर राजस्थान के जंगलों में मारा था। मिस्टर जाने ओ यो तुम फिर आ रहे? आया नहीं हजूर, भेजा गया हूँ। वो अपनी मल्होत्रा जी है ना, मल्होत्रा जी उनकी गर्लफ्रेंड बलवंत कौर उनको पूरी तरह से ढूंढ रही है, और मैंने सोचा शायद आपने उनको कहीं देखा होगा। मल्होत्रा? होत्रा कौन है ये? मैं किसी को नहीं जानता। तो ठीक है फिर मैं बलवंत कौर को इधर ही भेज देता हूँ। तुम्हारा और मल्होत्रा जी का तो परछाई का साथ है ना, और फिर तुमसे अच्छा उसका बता और कौन बता सकता है। यार बुलबुल तुम तो बात बात पे नाराज हो जाते हो। तुम उस मल्होत्रा की बात कर रहे हो? हाँ हाँ उसी मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ। डार्लिंग ये अपना बड़ा अजीज दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। तो फिर मैं चलूँ डार्लिंग? कुछ चाय ठंडा वंडा नहीं पियोगे? मुसीबत को टाल जाओ ना, नहीं तो मेरे खानदान का बेड़ा खराब हो जाएगा। तो फिर भेज दो। किसे? उसे। किसे? बिल को। बिल 300 का। 300? ठीक है बिल को इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। जाओ जाओ ना। डार्लिंग बड़ा मजाकिया आदमी है। लेटे रहो लेटे रहो। मैं यहां क्यों? तज्जो हो रहा है अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। जिंदगी ज्यादा कोई इतनी जरूरी नहीं होती बरखुरदार, आराम करो ठीक हो जाओ बातें करेंगे। ओ होश आ गया जनाब को, लीजिए दूध पी लीजिए। इनका जरा ख्याल रखने बेटी, कहीं अपनी सड़क ना निकल जाएं। मगर मेरी बात तो सुनिए। मुझे भी तुमसे बहुत बातें करनी है लेकिन इस वक्त नहीं, मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, और तुम भी करो। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तुम मुझे क्लब में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए थे? सपना वो पिंकी, भगवान के लिए मुझे गलत ना समझो। गलत ना समझो तो और क्या समझो, मुझे नहीं मालूम था पिंकी की तस्वीर देखकर तुम मुझे ही भूल जाओगे। नहीं नहीं ये बात नहीं है सपना। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें दीवाना बना दिया है? मैं पूछती हूँ, अगर मेरी जगह तुम्हारे दिल में पिंकी ही आ गई है तो फिर मेरे दिल से खेलने की क्या जरूरत थी? हाँ भाई ये पिंकी का क्या चक्कर है, क्लब में हम लोगों को छोड़कर तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम भी वही सोच रहे हो रमेश जो सपना सोच रही है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत उलझे हुए हो, तुम्हें बाहर की खुली हवा में ले चलते हैं, ठंडी हवा लगेगी तो ये दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा और शायद इस तरह पिंकी का भूत भी उतर सके। क्यों सपना क्या ख्याल है? इन्हीं से पूछिए ना, मैं क्या कहूँ? भाई ये नाराजगी छोड़ दो, मैं तो बहुत बड़ी स्कीम सोच कर आया था। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ 6 और 9 का हिंसा बनाकर रूठे रहोगे तो मेरी स्कीम ही फेल हो जाएगी। चलो दोस्त तैयार हो जाओ। वाह 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 क्या तरकीब लगाई है, मांग है लेकिन मुझसे बच के जाओगे कहाँ? तुम? जी हाँ मैं, शर्म नहीं आती? होटल में अपने दोस्तों को चकमा देके यहाँ पे चले आए और सारा बिल मुझे देना पड़ा, निकालो पैसे। जाने जब देखो रुपयों की बात करते हो तुम, कोई दूसरा धंधा नहीं है तुम्हें? बात यह है रमेश बाबू, आजकल मोहब्बत बहुत महंगी हो गई है और मैं एक साथ 2 मोहब्बत कर रहा हूँ, एक पंजाबी मोहब्बत और एक विलायती मोहब्बत। निकालो पैसे। लो 300। हा 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 मैंने कहा कहीं नजर न लग जाए, बहुत हैंडसम लग रहे हो, आज किसे कत्ल करने का इरादा है?
जानी। हाँ हाँ, लड़ो मत। ये बताओ कि शर्त जीते या हारे? तुम नहीं जानते, कभी कभी जानकर भी अनजान रहना पड़ता है। वाह वाह वाह, आपका कहीं बाहर जाने का इरादा है? अगर आप लोग बुरा ना माने तो मुझे भी ये दावत मंजूर है। तुम्हें एक दिन बड़ी शानदार दावत देने की फिक्र में। श्योर श्योर, मैं उस रोज का इंतजार करूंगा। बाय बाय। वो दिन कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। शायद तुम नहीं जानते, मैं राज को बहुत प्यार करता हूँ और सपना भी सब पसंद करती है, और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली है, और आप कहते हैं कि उस पर खून का इल्जाम है और वो खूनी है। एक बात बता सकते हैं मिस्टर सिंह? पूछिए। ये जानते हुए भी कि राज एक खूनी है, और खूनी कभी पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। कुछ ही दिनों में या तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा या उम्र कैद के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप फिर भी अपनी भतीजे की शादी उससे कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मिस्टर सिंह, आपके मरहूम भाई ने कोई वसीयत भी की थी? जरूर की है। उनके तमाम जायदाद के मालिक उनकी बेटी सपना है, और शादी के बाद पति पत्नी दोनों मालिक होंगे। और अगर ईश्वर न करे वो दोनों इस दुनिया में ना रहें तो जायदाद के वारिस आप होंगे, यही ना? थैंक यू। बहुत दिन से हमने तुम्हारा पिंकी नहीं देखा। ए जॉनी, हम तुमको कितनी बार बोला, हमारे सामने दूसरा छोकरे का नाम नहीं लेना मत। हम जाएगा। अरे तुम जाएगा, हम किधर जाएगा? गोली मारो पिंकी को। तुम लेटो इधर, तुम लेटो। क्यों नाराज होती हो? ना जाने लोग कहां से चले आते हैं बोर करने को। डालिंग, आई एम जस्ट कमिंग। ओ मम्मी, अब क्या होगा? क्या हुआ डार्लिंग? क्या नहीं हुआ ये पूछो, हमारा मम्मी आ गया, सब गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा? होएगा क्या, हम मम्मी को मिलेगा, वो हमको लाइक करेगा। नहीं, वो तुमको लाइक नहीं करेगा, वो तुमको नफरत करेगा। तुम हमारा मम्मी को नहीं जानता, वो बहुत पुराने ख्याल का है। तुम कैसे बिजी कॉस्ट्यूम में देखेगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्यों? बात ये है, ये हमारा डैडी का चौथा शादी है, हमारा डैडी बुढ़ा है, हमारा मम्मी जवान है, इसलिए मम्मी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मम्मी तुम ऐसा करो, तुम जाके बाथरूम में छिपो, जल्दी करो प्लीज। मम्मी, ओहो, कितनी देर से कैंटी बजा रही हो केवल मल्होत्रा जी, तुम क्या सोए हो? नहीं, मैं कहाँ सोया था, मैं तो तुम्हारे ख्यालों में जगा हुआ था बलवंत कौर। लेकिन कसम, मैंने तो तुमको मंगलवार को बुलाया था, तू आज क्यों आ गई? आज मेरा व्रत है। आज व्रत तोड़ दो मल्होत्रा जी, ये जो मेरा दिल है ना, वो आज और कल कुछ फर्क नहीं समझता। मैं आखिर में आ गई हूँ। पर केवल जी, तुम कुछ घबराए हुए हो। अंदर कोई नहीं है, तू अंदर चल, अंदर की बात बाद में बताऊंगा। चलो तुम अंदर की बात बताओ। बात ये है बलवंते, मेरी माता जी अचानक आ गई। ये तो बड़ी चंगी बात है, मैं माताजी के दर्शन कर लूंगी, वो मैंने जरूर पसंद करेगी। नहीं नहीं, वो तुमको पसंद नहीं करेगी, वो बड़ी फैशनेबल है, तुमको ऐसे कपड़ों में देखेंगी बहुत नाराज होंगी। माताजी, इस बुढ़ापे में? बुढ़ापा? अरे वो तुम्हारी तरह जवान है, ये मेरे पिताजी की चौथी शादी है। हाँ, तुम ऐसा करो, ये कपड़े उतार दो और ये कपड़े। जानी, जानी। हाँ। जॉनी कौन बुलाऊंगा? ये मेरी माता जी है, मुझे प्यार से जॉनी बोलती है। I'm just coming, मम्मी, तुम ये पहन लो। आया मदर। ये जॉनी कपड़ा किधर है? अरे वो लाएंगी तो तू पाएंगी ना। बट मेरा मतलब है, मैं भी इंतजाम करता हूँ, तुम छिप जाओ। सुई ताला देना, मेरी पतलून अगो फटी है। अरे बलवंत कौर जी, तुम्हारी पतलून अगो फटी नहीं है, वो जिप है। जल्दी से अपने कपड़े लाओ, मैं छिपा लूँ। मम्मी क्या बोलता है? अरे फॉर गॉड से तुम छिप जाओ। मल्होत्रा जी, हेलो, कपड़े चंगी तरह छुपा दे। हाँ छिपा देगा, तुम छिप जाओ। हाँ। कपड़ा दे दे। लो 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 लो, जा छिप जाओ जल्दी से। मल्होत्रा जी, हेलो पिंटो, मैं जॉनी बोल रहा हूँ, जल्दी से दो कोका कोला की बोतलें ले आओ
और उनमें दो दो नींद की गोलियां डाल देना। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। उनका बेहोश होना बहुत जरूरी है। हरिए कर लेंगे बुलेट। पिंटो जल्दी हो, हरे आप, हरे आप, हरे आप। वेरी गुड, दोनों में दो दो गोली डाल के नींद क्या। शाबाश, अभी देखो ये दरवाजा जोर से पकड़ना मांगता। ओके बस, अंदर का आदमी बाहर नहीं आना मांगता। फिक्र करने नहीं मांगता। हम अभी आता। कोका कोला माता जी ने तेरे लिए भेजा है। माता जी बड़ी चंगी है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। और सुनो, जब तक मैं आवाज न दूं बाहर नहीं आना है। और सुनो, जब तुम माता जी को मिलोगी उनको झुक के प्रणाम करना है। कोका कोला पी ले। अच्छा ठीक है, अभी देखो छोड़ छोड़, अभी ये दरवाजा पकड़ना पड़ता है। जाओ पकड़ो पकड़ो, हम अभी आते हैं। डार्लिंग कोका कोला हमारा मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। ओह स्वीट, कितना अच्छा है तुम्हारा मम्मी। शी इज वेरी गुड। अरे तुमने अभी तक कपड़ा बदली नहीं किया, जल्दी से चेंज करो। और देखो जब तक हम आवाज नहीं देगा बाहर नहीं आना। और जब तुम बाहर आके हमारा मम्मी को मिलेगा तो झुके गुड मॉर्निंग बोलना। ओके गुड गर्ल, अभी तुम जल्दी से कोका कोला पी लो। ओके पिंटो, अभी तुम जाना मत। ओके वाह, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। माता जी, माता जी, माता जी। Thank you.
तुम्हें। आपकी पिंकी, कर लीजिए मुलाकात। पिंकी, हमारे राज साहब तुमसे मिलने के लिए बड़े बेचैन थे, है ना? मुझसे मिलने के लिए, मगर क्यों? मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। क्या कहा? तुम मुझे नहीं जानती? झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, मगर अब ये बताए बिना तुम यहां से नहीं जा सकती। तुम्हारी असलियत क्या है और कौन हो तुम? सपना, मुझे तो तुम्हारे इन राज साहब के दिमाग में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। मुझे मिलाने से अच्छा होता तुम इन्हें किसी डॉक्टर से मिलवाती। तुम इस तरह से नहीं जा सकती। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो। क्या उस रात को तुम मेरे कमरे में मौजूद नहीं थी? क्या तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बाप का खून मेरे कमरे में नहीं हुआ था? बताओ, बताओ वो खूनी कौन था? बताओ। सपना, तुम इसकी मासूम निगाहों पर मत जाओ। सपना, मैं आज तुम्हारा शक भी दूर कर देना चाहता हूँ। उस बूढ़े के खून का इल्जाम मुझ पर है और असली खूनी कौन है सिवा इसके और कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे इसकी तलाश थी, और अगर आज भी इसने असलियत जाहिर नहीं की तो मैं सच कहता हूं इसकी जान ले लूंगा। जान लेना और देना तो ऊपर वाले के हाथ है। नीचे पुलिस आई है मालकिन। पुलिस? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सपना, तुम उन्हें बुलाओ। आज इस राज पर से पर्दा उठ कर ही रहेगा। नहीं नहीं, तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं नीचे जाकर उन्हें देखती हूँ। मुझे अफसोस है सपना जी, मेरे पास आपके मकान की तलाश के बाद पुलिस आ रही है। अब भी सच सच बता दो, ये सब उलझन क्या है? आखिर तुम लोगों ने मुझे ही अपना शिकार क्यों बनाया? क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? हमें फरार धुनी मुजरिम राज की तलाश, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। जानती तो हूँ, मगर भैया है नहीं। यही जैसे तो आए। तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो और किसके लिए कह रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। बताओ उस बूढ़े का खूनी कौन था? बताओ। मैं कुछ नहीं जानती। बताओ। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती। ये कब है? ये मेरा बेडरूम है। और इसकी चाबी? 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 न जाने कहां सुबह से रखकर भूल गई। ये रही चाबी इंस्पेक्टर साहब। कानून की मदद करना हम सबका फर्ज है मालकिन। मुझे मेरा खून करके फरार हो गया। तुम लोग यही खाओ। हाय हाय हाय, सो देवी जी, कुछ दिनों के लिए आपकी छुट्टी। आप यहां प्रवेश करिए और आप इस फ्रेम में फिट हो गए। हाय सिटी। हाय जानी। I'm sorry जानी, आपको थोड़ा सा लेट हो गया है। देर आए, दुख आए, आओ, आओ। Oh, my photo. How sweet जानी, तुम कितना अच्छा है। Thank you. नितिन के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ख्याल है, निपट जाता हूँ। क्या कहता? क्यों? तुमने तो बोला लिपटने को। लिप्टन चाय के लिए कहा था हमने। तुम बहुत नॉटी हो गया जानी। हम तुम्हारे इसमें दिन पे दिन मैदा होता जा रहा है। तुम यहाँ आराम से बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय लेके आता है। चाय लेके आता है। माफ करना जी, कल घर में आ गए। कर दो ये, तो फिर तुम कौन हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन, किसको मानता है? मल्होत्रा जी को, इनको। ये तो हमारा जानी है, हमारा लवर। हद नहीं, ये तो मेरे लिफाफे का कवर है।
तुम मेरी तस्वीर सी? ओ, मैं मीना, तुम मीना, हम दोनों हैं। देखिए, हम दोनों नहीं, तीसरी भी है। ए, हम सबको उल्लू बनाता है, तो भी चाय बनाता है। सुनो, हम दोनों को इसने उल्लू बनाया ना, हम इसको उल्लू बनाएगा। हाँ। लीजिए दूध वाली कड़क चाय। क्यों है मल्होत्रा जी, तुझे घबराए हुए क्यों हो? नहीं नहीं, लस्सी मांगी सी मैंने थी, तुझे तो चाय लाए हो। लस्सी? हाँ, लस्सी का नाम सुन के तोड़े गले लस्सी क्यों फंस गई मल्होत्रा जी? हाँ हाँ, आपने तो लस्सी मांगी थी, मैं अभी लाया। आज इस रोमियो को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। वो लस्सी लग गया है, तुम इधर बैठो, मैं पैदल ही पीछे चुप जाऊँ। हाँ हाँ। चौदह बराबर बराबर। ये कैसे हो गया? डार्लिंग तुमने कितना लेट कर दिया? ये क्या? हमने तुमको चाय कहा, तुम दूध लेके आया? ये दूध नहीं है, ये लस्सी है। नॉनसेंस, तुम्हारा भेजा भूल गया है। तुम ठीक बोलती हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है इंस्पेक्टर सावंत, ये केस बहुत सीरियस है, बी केयरफुल। ओके सर। कहाँ जा रही हो? राज के पास। वह खूनी है, मैं नहीं चाहता कि उसका साया तुम पर पड़े। अंकल, आप भी यही समझते हैं कि राज? मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है। नहीं, ये झूठ है, राज ऐसा नहीं है। मैं तो ये भी नहीं मानती कि राज खून भी कर सकता है। आंखों देखी बात झुटलाई नहीं जा सकती। उस कमरे में तुम दोनों के सिवाय तीसरा कौन था? सपना, जरा ठंडे दिल सोचो, हर चीज तुम्हारे सामने आईने की तरह साफ हो जाएगी। तुम्हारे सामने उसने पिंकी का गला घोट देने की धमकी दी, पुलिस के आते ही तुम्हारी गैरहाजिरी में उसने उस धमकी को असली बदल दिया। नहीं अंकल, वो कह रहा था वो बेकसूर है, उस पर खून का इल्जाम था, इसलिए एक और खून करके भाग गया। अगर वो बेकसूर था तो भागा क्यों? सपना, तुम उसे प्यार करते हो, तुम्हारी आंखें वो नहीं देख रही जो मैं देख रहा हूँ। वो इस घर, इस खानदान का काबिल नहीं है, उसे तुम भूल जाओ। जिस चिराग से घर में आग लग जाने का अंदेशा हो, उस चिराग को घर में लाने से पहले ही बुझा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अफंदे। सलाम शेख साहब, फरमाइए कि आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खिदमत तो खिदमतगार भी करेगा अफंदे, हम तो जोरा जबीन की तलाश में है जो तुम्हारे होटल के स्टेज से उतर कर हमारे दिल में उतर गया है। ओ, मगर वो तो यहाँ से चली गयी। हमको नहीं मिला।
मिस्टर सूद, मैं प्राइवेट मीटिंग बैठ रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तपंदी कचहरी? आप हैं मिस्टर सिंह हमारी होटल के चेयरमैन। ठीक जमाल कहता है हमको, अफंदी का चेहरे से मालूम पड़ता है अफंदी बहुत काम का आदमी है। मिस्टर सूद, आपका ख्याल रखो, ही लुक आफ्टर यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड इवनिंग बॉस। जॉनी, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ मुझे बॉस मत कहा करो, बैठ जाओ। क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ सर। वैसे मैं अपनी रिपोर्ट देने आपके पास आया था, सब काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है बॉस। ओह, आई मीन अंकल। ठीक है, लेकिन हमें हर कदम पर होशियार रहना चाहिए, किसी को कानो कान बताना चले कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मिली हो, मैं तुमसे मिलना ही चाहता था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। वक्त आने पर सब उलझने दूर हो जाएंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर इस वक्त तुम मुझे पिंकी के पास ले चलो। सबको धोखा देते रहे हो, अब मुझे भी धोखा देना चाहते हो। क्या कहा? पिंकी का खून करके पिंकी के बारे में मुझसे ही पूछना चाहते हो? तुम समझते हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तो पिंकी का खून हो गया? तुमने किया है वो खून मेरे ही घर में मेरे ही कमरे में, सब कुछ जानकर अनजान बनने से कोई फायदा नहीं। चले जाओ राज, मैं तो अब जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गई हूँ जहाँ से आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम यहाँ से चले जाओ। सोचा था किसी के प्यार का सहारा पाकर इस मुश्किल से गुजर जाऊंगा, मगर मालूम नहीं था ये धागे भी इतने कच्चे होंगे कि एक ही झटके में टूट जाएंगे। मैं जा रहा हूँ सपना, मगर इतना बता देना चाहता हूँ मैं खूनी नहीं हूं। पुलिस मेरे साथ आ राज, पुलिस। जान बचाने का शुक्रिया राज। एक बात पूछूं, अगर तुम मुजरिम नहीं थे, तुमने खून नहीं किया, तो मेरे कमरे से भागे क्यों? हर सवाल और जवाब के दरमियान विश्वास का एक तार होता है, वो तार ही टूट जाए तो न सवाल की जरूरत होती है न जवाब की। अगर मैं ये कहूं कि वो तार तो जिंदगी के तार के साथ ही टूटेगा तो मैं समझूंगा मेरी मोहब्बत अभी जिंदा है। पिंकी थी। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, वो पिंकी ही थी। मैं सोच रही हूँ अगर पिंकी जिंदा है तो फिर वो कौन थी जिसका खून मेरे कमरे में हुआ? अब तो तुम्हें यकीन आया ना सपना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं तो इस उलझन का शिकार बना हुआ हूँ और दिन ब दिन ये उलझन बढ़ती चली जा रही है।
सपना, अगर तुम चाहो तो इस राज पे से पर्दा उठ सकता है। वो कैसे? पिंकी तुम्हारी सहेली थी, हम इसी वक्त उसके घर जाना चाहिए, सच और झूठ का पता चल जाएगा। मेरी जान पहचान उसे बॉम्बे मसाज हाउस में हुई थी, उसी ने जानबूझकर दोस्ती बढ़ाई, उसके बाद हम फोटो खिंचवाने चले गए, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं मालूम। राज क्यों ना मसाज हाउस चला जाए? ठीक है, बॉम्बे मसाज हाउस। यस, बॉम्बे मसाज हाउस जी। हमें अफसोस है, यहाँ सिर्फ औरतों को ही दाखिला मिल सकता है, मर्दों को नहीं। मिस, हमारा रिक्वेस्ट। ओह, मैंने कितनी बार आपसे कहा है इतनी बड़ी बॉडी को रिड्यूस करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। आई एम सॉरी मिस, तुमको जितना पैसा मांगता है हम देगा, लेकिन हमको सारा बानो के माफिक, उसका बॉडी के माफिक बना दो। हमारा होने वाला हस्बैंड है ना इडियट, उसने खाली हमको 2 महीने का चांस दिया और तुम 2 साल बोलते हैं। 1 हफ्ते में कुछ कर दो मिस, गॉड ब्लेस यू। ओहो, ठीक है ठीक है। हाँ। आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करते हैं। जाइए जाइए, प्रैक्टिस शुरू कर। नहीं करता है। ओह गॉड, सॉरी मैडम, आपसे एक नए मेंबर मिलना चाहता। मिस, काय को भी फालतू लोग को तुम भर्ती करते हैं, पहले हमारा देखभाल करो ना। कमान के चलो, हमारा देखभाल करो। आइए। थैंक यू। आपका नाम? दीवाना, परवाना, मस्ताना, तुम्हारे इश्क का निशाना, दुनिया से बेगाना। तुम? हाँ, जाने की जान। हम क्या क्या नहीं किया हमने इश्क में तेरे लिए। What what not not I done done। शट अप, बुर्का पहनो और फौरन बाहर चले जाओ। किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वाह वाह वाह, मैं चला गया तो मेरी छोकरी चली जाएगी। क्लब में मिलो तो तुमको फुर्सत नहीं, यहाँ मिलो तो तुमको फुर्सत नहीं। तुम्हारी दो दो नौकरियों ने मेरे इश्क का तख्ता कर दिया है। ये क्या कर रहे हो? कपड़े उतार रहे हो? क्यों? घर में मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ, यहाँ तुम मेरी मालिश करोगी। चलो पाउडर लगाओ, जल्दी करो। कोई आ रहा है? आने दो आने दो, जल्दी उठो। बैठ बैठ प्लीज, ये पहनो जल्दी। इधर आओ, छुप जाओ। यस, कम इन। मैडम, आपसे 2 नए मेंबर मिलने आए, आने दो। यस प्लीज। देखिए, हमें आपसे एक बहुत जरूरी काम है। आपके यहाँ एक मेंबर है, उनका नाम है पिंकी, हमें उनका एड्रेस चाहिए। किसी मेंबर के घर का पता बदलाना हमारे मसाज हाउस के उसूल के खिलाफ है। आई एम सॉरी। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप। मैं कह चुकी हूँ इट्स इम्पॉसिबल, अब आप जा सकती हैं। आपको पता नहीं होगा, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप अंदर दाखिल कैसे हुए? आपको मालूम नहीं यहाँ मर्द अलाउड नहीं है? हमारी पुलिस को बुलाते हैं। जरूर कीजिए, शायद ये मर्दाना शर्ट आपका, इसे पहनकर आप दफ्तर आ जाओ। डार्लिंग, पता बता दो ना, ये जनाना भी हमारी पार्टी का है। यानी तुम यहाँ भी पहुँच गए? जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दुनिया में आपसे पहले आया था और हर कदम पर आपसे पहले रहूंगा। मैम साहब, बाहर पुलिस आई। देखिए, हमें किसी की तलाश, जरा बुक ऑर्डर प्लीज। हैरियत, जरा बुक ऑर्डर। पुलिस, मम्मी, मम्मी। सुनिए, ये मसाज सेंटर कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है आपको मालूम है? बुक ऑर्डर अपना। क्या कहा? आपको शर्म नहीं आती? बुर्का उठाने के लिए आपके घर में आपकी माँ बहन नहीं है? ज्यादा बात मत बनाओ, शक्ल दिखाओ अपनी। हाय हाय हाय, मैं आपको शक्ल दिखाऊं? शादी के बाद मैंने अब तक अपने मर्द को शक्ल नहीं दिखाई, तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगी? क्या हुआ मम्मी? है? आप नहीं जानती हैं? जी हाँ, मेरी माँ है। बेटी, बेटी। अच्छा वो तुम मुझे मिल गई, नहीं तो आज मैं बर्बाद हो जाती। मम्मी, कोई बात नहीं बेटी, अब तो मैं घर आ गई हूँ। Pinky, Pinky,
अब तुम लोग फिर मेरे सामने एक नई कहानी लेकर आए हो। तुम लोग कहते हो कि तुम पिंकी के फ्लैट में गए और उसके लाश को छत से लटकते हुए देखा। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जब एक लड़के की दवा मर चुकी है, वो दोबारा कैसे मर सकती है? कुछ भी कहिए अंकल, मगर है ये सच, पिंकी को जिंदा भी अपनी आंखों से देखा था और उसकी लाश भी देख कर आ रहे हैं। अजीब उलझन है। मैं तो इन उलझनों से तंग आ गया हूँ। मुझे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। घबराओ नहीं राज, अंकल जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। अब हमें किसी भी तरह मिलकर असली कातिल को तलाश करना होगा। कुछ तो कहिए अंकल, अब हमारी सारी उम्मीदें आपके साथ हैं। मुमकिन है मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ ये ठीक ना हो। बहरहाल यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, अगर ये एक पहेली है तो इस पहेली को सुलझाने के लिए राज को यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब कर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, राज को कुछ दिनों के लिए हम गोवा भेज देते हैं। वहाँ मेरा बंगला भी है, राज को वहाँ किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, लेकिन सवाल तो इस बात का पैदा होता है कि जाएगा कैसे। इसके लिए ट्रेन, प्लेन, जहाज सभी रास्तों में खतरा है। हाँ, एक सूरत निकल सकती है कि ये मेरी प्राइवेट बोट से जाए। वेरी गुड आइडिया, कल सुबह ही राज को रवाना हो जाना चाहिए। अंकल मैं भी राज के साथ जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी। मेरा मतलब है अगर तुम जाओगी तो राज के लिए और मुसीबत बन जाओगी। पगली, इन खूबसूरत आंखों में आंसू क्या अच्छे लगते हैं। थोड़े दिनों की बात है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। मेरा दिल आज बस में नहीं है राज, मुझे इस तरह छोड़कर ना जाओ प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, बहुत प्यार करती हो ना, इसीलिए तुम्हारा दिल तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। आज हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है सपना। जब तक ये खतरा टल नहीं जाता, हम दोनों को एक दूसरे से अलग रहना ही पड़ेगा। देखो रमेश आ रहा है, वो क्या सोचेगा। चलो आंसू पोंछ डालो। कमाल है, तुम रो रही हो। भाई हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो राज के भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। मैं जानता हूं सपना, राज से जुदा होते हुए तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, मगर मजबूरी है। ऐसे भी क्या मजबूरी है जो मैं इनके साथ नहीं जा सकती। तुम तो जानते हो रमेश, मैंने जिंदगी में राज के सिवा किसी से प्यार नहीं किया। इससे पहले कि राज को कुछ हो, मैं खुद अपने आप को तुम दोनों पे कुर्बान कर दूंगा। रमेश, सपना का ख्याल रखना, मैं अपनी जिंदगी तुम्हें सौंप के जा रहा हूं। सपना, अंकल बोट लेकर आ गए हैं, अब आंसू पोंछ डालो। राज, बोट तैयार है, सफर का नक्शा बोट में है। मुझे भी राज के साथ जाने दीजिए ना अंकल। नहीं सपना, मैं कह चुका हूं तुम नहीं जाओगी। के वक्त से पहले तुम्हें यह चिट्ठी मिल जाए। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है राज, इस बोट में तुम्हें खत्म करने के लिए टाइम बम रखा गया है जो कि ठीक 9 बजे फट जाएगा। चिट्ठी मिलते ही तुम फौरन इस बोट से कूद जाओ, खत पढ़ते ही फाड़ कर फेंक देना, वरना मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। पिंकी, बोट पर राज सफर कर रहा था वो बोट आपकी थी? जी हाँ थी। तो आपने जानबूझकर राज को उस बोट पर सफर करने के लिए कहा था? क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं मालूम था राज मेरी बोट पर सफर कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी बोट की चोरी हो जाने की रिपोर्ट पहले ही कर चुका हूँ। ओह, तो आपकी बोट चोरी हो गई थी। मुझे आपकी बोट के नुकसान का बेहद अफसोस। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू इंस्पेक्टर।
घटना? मैंने सब कुछ सुन लिया अंकल, आपने झूठ क्यों बोला? आपने जानबूझकर राज को उस मोटरबोट पर सफर करने के लिए भेजा था, आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। सपना, मैं तो तुम लोगों की मदद करना चाहता था, मुझे क्या मालूम था? आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। आपने उस चराग को अपने ही हाथ से बुझा दिया जिससे आपके घर को खतरा था। सपना, सपना अब बच्ची नहीं रही, मैं सब कुछ समझती हूँ। अगर मैं उसके साथ जाती तो मुझे कुछ हो जाता, और अगर शादी से पहले मुझे कुछ हो जाता तो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल कर ट्रस्ट में चली जाती। मगर एक बात याद रखिए अंकल, मैं प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं लगने दूंगी, कभी नहीं। सपना, सपना, क्या बात है अंकल? सपना समझती है कि मैं उसकी दौलत के पीछे हूँ, और मुझे मालूम था कि राज जिस बोट में जा रहा था वो एक धमाके में उड़ जाएगी। रमेश, क्या तुम भी समझते हो? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ अंकल, अगर वो बोट आपकी थी और राज के इस सफर से हम तीनों के सिवा और कोई वाकिफ नहीं था, तो फिर उस बोट पर टाइम बॉम्ब किसने रखा? सपना ने, मैंने, या आपने? क्या सोच रहे हो अंकल? सोच रहा हूँ कि राज की मौत ने सपना के दिल पर बहुत गहरा असर किया है। मुझे डर है कहीं वो घुट घुट कर अपनी जान न दे दे। आज तक तो उसे खुश रखने के लिए मैं अपनी खुशियां कुर्बान करता आया हूं, अब सोचता हूं सपना की शादी कर दूं। शादी? हाँ, मगर सोच कर रह जाता हूं। सपना और राज के संबंध इतने गहरे थे कि अब शायद ही कोई लड़का उसका हाथ पकड़ने को राजी हो। जब भी सोचता हूं इन दोनों की मोहब्बत एक दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। रमेश, अगर तुम चाहो इस किश्ती को किराए पर ले जा सकते हो। सपना की खुशी के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना होगा? अब कोई सपना का हाथ थाम कर अगर उसकी खुशियां वापस ला सकता है तो सिर्फ तुम हो। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। नहीं अंकल, मैं राज की आत्मा को किसी कीमत पर दुखी नहीं करना चाहता। उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी। नहीं नहीं, ये मुझसे कभी नहीं होगा, नहीं होगा। जेंटलमैन, यू वेरी लकी मैन। महाराज जवाब नहीं, क्या पैंतरा बदला है आपने? क्या बदला है? आप तो जानी जान है महाराज, जानकर भी क्यों अनजान बनते हैं? तैनु कोई स्पेशल तकलीफ मालूम होंदी है प्यारे? हाँ महाराज, मेरा एक स्पेशल दोस्त था राज, मेरा जिगरी दोस्त। बेचारा इस पापी दुनिया को छोड़ के चला गया, अब उसके बिना मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। मेरा जी चाहता है कि मैं भी आपकी तरह दुनिया को छोड़ दूं। आज्ञा हो तो मैं भी चला चलूं आपके साथ। बड़ी तकलीफ में मालूम होते हो पुत्र। मेरा हाथ देखिए और ये बताइए कि मेरा जिगरी दोस्त राज सचमुच मर गया या जिंदा है? क्यों कोई शक है पुत्र? सच भी नहीं और यकीन भी नहीं, दुनिया भर के सारे अखबारों ने राज की मौत की खबर छाप दी है, लेकिन मेरे दिल पर एक छाप लगी है कि राज इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। महाराज जल्दी है, महाराज हम तो जल्दी है, तुम जरा बिल दे के आ जाना। बच के कहां जाओगे राज? आज हमारी कामयाबी का दिन है बॉस, राज खत्म हो गया। राज की मौत हम लोग की नई जिंदगी। किसका मौत, किसका जिंदगी? राज जिंदा है बॉस। क्या? हम खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, इस बार भी हम लोग फेल हो गया बॉस। उम्मीद का टुकड़ा मत करो बॉस, एक बार फिर ट्राई करने को सकता है। राज को ये मालूम पड़ गया उसका लाइफ डेंजर में है, अब वो इतना इजी हमारा चक्कर में नहीं आएगा। अब उसको खत्म करने का वास्ते कोई खूबसूरत चक्कर में लाना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हो तुम? अगेन स्टेज पर पिंकी का प्रोग्राम अनाउंस कर देगा तो राज जिधर भी होएगा, जिस हालत में भी होएगा, उधर जरूर आएगा।
हमारा कोशिश ये होने को मांगता है। इस बार वो हमारे हाथ से बचकर नहीं जाने को मांगता है। We must trap him। ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए बॉस। इस जहरीली पिन की वार से अब शिकार नहीं बच सकेगा। मैं आज रात नाची में उसे खत्म कर दूंगा। मदद कर सकता हूँ?
ऐसे होगा। तुम यहाँ भी पहुँच गए? ये बंदा पर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दुनिया में आपसे पहले आया हूँ और हर कदम पर आपसे पहले रहूंगा। मेरा खून करना चाहते हो? वक्त आने पर पीछे नहीं हटूंगा। तो सॉल कितने पीछे हटाओ? बकवास बंद करो और नीचे उतरो। उतरता हूँ, उतरता हूँ। चलो चलो चलो। याद रखो राज, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, किसी ना किसी मोड़ पर तुम्हें जरूर मिलूंगा। तुम्हारी कहानी यही खत्म नहीं होती पिंकी। तुम्हें बताना होगा जिस पिंकी की लाश सपना के घर में पाई गई थी वो कौन थी। कामनी, उसे भी उसी तरह मेरे चेहरे का नकाब पहनाकर वहां भेजा गया था, जिस तरह सरला को मेरे चेहरे का नकाब पहनाकर कब्र में दफनाया गया था। मगर आखिर ये सब किया किसने? कौन है वो, क्या चाहता है? पिंकी, तुम्हें बताना होगा तुम्हारा बॉस कौन है। आज तक कोई उसकी सूरत देखने की हिम्मत नहीं कर सका, जिसने कोशिश की उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैं जानती हूँ आप इस राज की तह तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं। काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकती। तुम चाहो तो इस राज पर से पर्दा उठा सकती हो। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, आप नहीं जानते मैं। पिंकी, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अगर तुम्हारा खत उस मोटर बोर्ड पर मुझे नहीं मिलता तो जानती हो फिर क्या होता। खैर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर तुम उन लोगों के साथ क्यों दे रही हो? मेरा नाम पिंकी नहीं, शील है। एक बरस पहले की बात है, हमारा एक छोटा सा घर था, मैं, पिताजी और मंटू मेरा नन्हा सा भाई, हमारे छोटे से घर में एक छोटी सी दुनिया थी। मगर एक दिन एक जबरदस्त सिलसिला आया, सब कुछ बिखर गया। पिताजी एक एक्सीडेंट में मारे गए और उनकी मौत के बाद अचानक पता चला कि वो एक खतरनाक स्मगलर थे। वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझकर उन्हें खत्म किया गया था, क्योंकि अब उन्होंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उनकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे एक दिन वहां बुलाया गया। दीन दयाल शर्मा की मौत का बाज को बेहद अफसोस है, काफी होशियार था, उसकी मौत से हमें काफी नुकसान पहुंचा है और वो नुकसान सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो। भाई वो कैसे? तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, हमारा साथ देना होगा। वैसे भी बाज को तुम जैसी एक हसीन लड़की की जरूरत है, बेहद जरूरत है, एक खास काम के लिए। नहीं, मैं तुम लोगों का कोई काम नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मैं वहां से चली आई, मैंने साफ इनकार कर दिया। घर पहुंचने पर पता चला मंटू गायब है, वो जालिम मेरे मासूम भाई को उठा कर ले गए, वो लोग उसे खत्म कर देना चाहते हैं। तब से आज तक मैं कठपुतली की तरह उनके हाथों का खिलौना बनी हुई हूं, मगर अब मैं पुलिस को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, मुझे ले चलिए अपने साथ। नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं आया श्री, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, पर अब जब तक मैं तुम्हारे भाई को आजाद नहीं करा लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। क्या ये हकीकत है कि तुम? हाँ रमेश, मैं जिंदा हूँ। तुम नहीं जानते दोस्त कि आज तुम्हें अपने सामने देखकर मैं कितना खुश हुआ हूँ। आज अगर तुम ना आते तो गजब हो जाता। कैसा गजब? दोस्ती के नाम पर दाग लग जाता। ईश्वर ने मुझे इन मौके पर बचा लिया। बात क्या है? अंकल सपना का हाथ मेरे हाथ में देना चाहते थे, मगर तुम्हारी सौगंध, तुम जैसी मजबूत बाहों का सहारा लेकर ही सपना इस दुनिया में जी सकती है। तुम नहीं जानते उस पर क्या गुजर रही है, आधी रह गई है तुम्हारे गम में। हाँ, तुमने बताया नहीं इतने दिन कहाँ रहे? कातिल की तलाश में। शायद तुम्हें जान की खुशी होगी कि पिंकी वाकई जिंदा है और मेरे कब्जे में। सच? तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आए? पिंकी के जरिए हम इसी वक्त असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं रमेश,
पिंकी और कातिल के दरमियान अब भी एक दीवार बाकी है। हमें उस दीवार को तोड़ना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सपना से मिलना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं। पुलिस की नजर अंकल के मकान पर भी है, हो सकता है उन्होंने फोन को टैप किया हो। लेकिन घबराओ नहीं दोस्त, मैं अभी खुद जाकर यह खुशखबरी सपना को देता हूँ। तुम यही ठहरो। मुझे इसी वक्त वापस जाना चाहिए। क्यों? इस तरह पिंकी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मगर इस वक्त तुम्हारा वहां अकेले जाना भी तो खतरे से खाली नहीं। मगर संभल कर जाना। और मान लो राज, बात करते हो रमेश? मैं बात करने का वक्त नहीं है, कोई देख लेगा। चलो यहां से। कुछ लोग पिंकी को उठाकर ले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। मगर उनमें से एक आदमी मेरे हाथ आ गया है। जानते हो कौन है? कौन? कैलाश। कैलाश? हाँ, वही कैलाश जिसे शर्त लगाने का बेहद शौक था। मैंने उसे बहुत पूछा कि तेरा बॉस कौन है। उसने बताने ही वाला था लेकिन इस आदमी ने उसे जहरीली पिन मार दी। और जब वो भाग रहा था मैंने उसका पीछा किया लेकिन इस आदमी को भी किसी ने खत्म कर दिया है। तो कैलाश अभी तक जिंदा ही होगा। चलो फौरन हमें वहां पहुंचना चाहिए। जाने से पहले मैं अंकल सिंह से मिलना चाहता हूं। लेकिन क्यों? रमेश, आज तक मुझे शक था लेकिन अब पूरा यकीन आ गया कि वो बदमाश अंकल सिंह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अंकल, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक कर दिया गया। लेकिन कहां है वो? वो वही है
हमें दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने 5-6 मजबूत आदमी वहां होने चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं पहले ही सारा बंदोबस्त कर चुका हूँ। मेरी प्राइवेट फोर्स वहां मौजूद है, वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। गुड, चली गुड। चेस 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 चेस। ब्रिटिश जी मालिक, यहाँ कोई आने न पाए, और अगर कोई आ गया मालिक तो जाने न पाए। रिपोर्ट से कैलाश घड़ी दो गाड़ी का मेहमान है, हमें फौरन निकलना चाहिए। करेक्ट, हमें भी अपने काम की स्पीड को तेज करना चाहिए। पिंकी कहाँ है कैलाश? बोलो पिंकी कहाँ है? पिंकी तक तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। पिंकी को बॉस ने... वक्त बहुत कम है कैलाश, बोलो पिंकी कहाँ है? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, बोलो। राज, लगती है शर्त आज तुम मुझसे नहीं जीत सकोगे, हमेशा जीतते रहे हो, आज बाजी मेरे हाथ है। हाँ हाँ, हार गया। बताओ तुम लोगों ने पिंकी को कहाँ छुपा रखा है? कहाँ है तुम्हारे बॉस का खुफिया अड्डा? आखिर हार गए ना तुम, बॉस का खुफिया अड्डा। मुश्किल से हाथ में आई हो, बताओ किसके लिए काम कर रही हो? नहीं बताओगी? कहाँ है तुम्हारे बॉस का खुफिया अड्डा? कहाँ है पिंकी? तुम समझती हो तुम्हारी खामोशी मेरा इरादा बदल देगी?
मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिर्फ 3 सेकंड का फासला रह गया तुम्हारी जिंदगी और मौत में। बताओ तुम कौन? हमारा नाम नीना है। हम स्विट्जरलैंड का रहने वाला। हम बस के साथ इंडिया को आया। हम कुछ ये झूठे बात, ये झूठे झूठे। हमने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। आप ऊपर बेकार टॉस करता है। राजदेव को पकड़ा जरूर था, मगर हम उसको टॉस देकर बात करा गया। हम तुमसे सिंसियर हैं, पर बिलीव करो, हम स्विट्जरलैंड से इसीलिए तुम्हारा साथ इधर आया। जो हमारा फूल था, हम तुम पे भरोसा किया। जो आदमी बिजनेस में अपने पार्टनर के साथ चीट कर सकता है, उसको धोखा दे सकता है, उसको खत्म कर सकता है, वो हमारे साथ क्या कर सकता है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है बॉस? बॉस का हुक्म है, तुम इसी वक्त सपना को फोन करो, उससे कहो राज यहाँ है, फौरन चले आओ। खामोश क्यों? फोन उठाओ, वरना तुम देख चुकी हो जो अंजाम लीना का हुआ है तुम्हारा भी हो सकता है। मैं अब तुम लोगों की कोई बात नहीं मानूंगा। हाँ हाँ, मार डालो मुझे, खत्म कर डालो, मगर अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। हेलो। हेलो सपना, मैं पिंकी बोल रही हूँ। कौन? पिंकी, मैं सपना बोल रही हूँ। राज मेरे पास है और वो तुम्हें यहाँ बुला रहा है। क्या राज तुम्हारे पास? हेलो पिंकी, मैं राज बोल रहा हूँ, कहो क्या बात है? हाँ सपना, तुम इसी वक्त शिपयार्ड के पुराने डेक पर चली आओ। वहाँ मोड़ पर तुम्हें एक गुब्बारे बेचने वाला मिलेगा। उसका इशारा मिलते ही तुम उसके पीछे पीछे चली आना, वो तुम्हें यहाँ तक ले आएगा। घबराने की कोई बात नहीं, तुम उन लोगों को रोक के रखो जब तक मैं नहीं आऊं, समझे? बहुत, राज को पता चल गया है, वो भी आ रहा है। राज, राज। सपना, तुम मुझे देखकर भी रो रही हो? वक्त आ गया असली कत्ल को पकड़ने का। जैसे पिंकी ने कहा है तुम वैसे ही करना। तुम उस गुब्बारे वाले के पीछे पीछे चले जाना, घबराना नहीं, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। चलो। रिजू। हाँ राज बाबू, बड़े खतरनाक काम के लिए जा रहे हो, इसे अपने साथ लेते जाओ, वक्त पे काम आएगा। मुझे माफ करना पूछो, मैं तुम्हें गलत समझा। थैंक यू। इस रिवाल्वर में भी एक गलती है मालकिन, उसे भी समझ लीजिए। ये सीधा नहीं उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। सपना, हिम्मत से काम लो, समझो कि मैं साय की तरह तुम्हारे साथ हूं। मिस सपना, फॉलो मी। सपना,
हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। शिप का लंगर भी उठा दिया गया है। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम्हें और मुझे इस हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं जानते सपना कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक मुद्दत से तुम्हारे प्यार की आग में मैं अंदर ही अंदर चलता रहा हूं। जब पहली बार तुम्हें स्विट्जरलैंड में मैंने देखा, उसी दिन से तुम्हें हासिल करने की तमन्ना मेरे दिल में जागी। वहां तुम्हारे पिताजी मेरे पास न थे। जब तुम्हारा हाथ मांगने के लिए मैं उनके पास पहुंचा तो तुम जानती हो उनका क्या जवाब था? ये नामुमकिन। मैं हैरान हूं तुम्हें मुझसे सब कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों, क्या कमी है मुझे? क्या मैं सपना को खुश नहीं रख सकता? और हाँ, आप इसलिए डर रहे हैं कि मैं एक स्मगलर हूं, तो आप भी तो मेरे पास ना। सपना इन सब बातों से अनजान, और फिर मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी नजर सपना पर नहीं, मेरी उस वसीयत पर है, मेरी उस कमाई हुई दौलत पर है जो सपना के नाम स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है। तुम अय्याशियों में अपना तो सब कुछ बर्बाद कर चुके हो, अब मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो दौलत के लिए? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। मैंने कब कहा कि मुझे सपना से सिर्फ शादी करनी है? मुझे तो तुम्हारी दौलत भी चाहिए। और मैं नीच कमीने दलील, इससे पहले कि मैं यहां से धक्के देकर निकाल लूं, निकल जाओ यहां से। गेट आउट, आई से गेट आउट। पार्टनर, अभी तुमने मुझे अच्छी तरह से पहचाना। रमेश जिंदगी में जिस चीज को हासिल नहीं कर सकता उसे छीन लिया करता है। अगर तुमने अपनी खुशी से सपना का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं उसे अपने तरीकों से हासिल कर लूंगा। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं और कुछ ही दिनों में हमारी शादी का कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कि तुम अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाओ, मैं सपना को खबरदार कर दूंगा कि तुम्हारे साये से भी दूर रहे। वो वक्त आने से पहले तुम जिंदा नहीं रहोगे पार्टनर। रमेश जो फैसला कर लेता है वो पत्थर की लकीर है। सपना और मेरे बीच आने वाली हर दीवार इस तरह हटा दी जाएगी। और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि शादी भी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, जब मैं हिंदुस्तान आया तो मैंने देखा कि तुम रास्ते प्यार कर। इस कांटे को अपने रास्ते से दूर करना बहुत ही जरूरी था। मैंने कदम कदम पर पिंकी की लाश का ऐसा जाल फैलाया कि वो डर के पागल हो जाए। तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत पैदा करने की मैंने कोशिश भी की, लेकिन जब मैंने देखा कि अंकल और जानी मिलकर उस राज तक पहुंचने ही वाले थे, मैंने मजबूर होकर राज को खत्म कर दिया। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे। रमेश तुम तो बिल्कुल पागल निकले। मुझ तक पहुंचने के लिए इतना लंबा रास्ता तय करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम सीधे ही मुझसे कह देते
तो राज की दीवार हम दोनों के दरमियान कभी ना आती। क्या तुम कह रही हो सपना? तुम क्या सब सच है? और एक बात जानती हो सपना, तुम्हें अपने नजदीक पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी मंजिल खुद चलकर मेरे पास आ गई। अब मैं एक लम्हा एक पल भी जाया नहीं करना चाहता। आज का दिन मेरी कामयाबी का दिन है, खुशी का दिन।
जाकर पीछे संभालो, रेन को संभालो। हाँ, समझ गया। ये पिस्तौल अंकल से की है ना? रेन को, आगे बना दे। सब दोस्तों को यहां देखकर बहुत खुश हूं। शायद आप लोगों को दुख हुआ होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूं। सपना को मेरे हवाले कर दो। मैं जानता था कि यह वक्त एक न एक दिन जरूर आएगा। मगर मेरे दोस्त, अब उदार से तुमने मुझे दोस्त कहा, तुमने मुझे खत्म कर चुका है। आज मेरे लिए सामने आ चुकी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। Thank you.
लंबे होते हैं मिस्टर रमेश, हमें तो आप पर उसी रोज शक हो गया था जिस दिन आपने एक दूसरी लड़की को पिंकी का नकाब पहनाकर सपना के यहां खत्म कर दिया, लेकिन आज उस राज की असलियत का पता चल गया। ले चलो इसे। थैंक यू मिस्टर राज फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। और हमारे कोऑपरेशन का आपको कोई ध्यान ही नहीं सर्कल इंस्पेक्टर साहब? ये आपकी ड्यूटी थी मिस्टर रानी, यू आर ए प्राइवेट डिटेक्टिव। आज मैं बहुत खुश हूँ सपना, आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया और मैंने हमेशा तुम पर शक किया। मुझे क्या पता था तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी से किया, लेकिन इतना जरूर है अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हें मंजिल मिल गई और मुझे अपना सब कुछ मिल गया। लेकिन हमें अभी कुछ नहीं मिला अंकल। हमारी बेटी अभी तक हमें गलत समझती है अंकल।
पगली कहीं थी। मैं और मिस्टर जॉन ही तो तुम लोगों शुरू से मदद करना चाहते थे। मैं बहुत माफ कर दूंगा। यह दूसरी बात है कि हमारा मदद करने का तरीका हॉलीवुड के जासूसों से मिलता जुलता है। नाज़नीनो ऐ हसीनो नाज़नीनो मैं आ गया हूँ, जो दिल संभालो वक्त के बादल आसमां पे।